हमारे ध्यान के दो ही केंद्र हैं, एक तो भगवान है जिसने हमको रास्ता बताया, जो हमारी पीठ पर है, जो हमारे उनको धकेलता रहता है, खींचता रहता है, बुलाता रहता है। एक भगवान आप लोग हैं जो हमारे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, हाथ पांव की तरीके से काम करते हैं, आँख नाक दांत की तरीके से हमारे क्रियाकलापों में सहयोगी रहते हैं। आप लोग भी एक तरह के भगवान हैं, दो भगवान हैं, एक निराकार है, एक साकार है। आप साकार भगवान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। आज अनायास ही ध्यान हो आया कि आप लोगों के सामने कुछ अपने जी की बात कहूँ। हमने ये जो ठोस काम किया है, उस हम में आप सब लोग शामिल हैं, आप सब लोग शामिल हैं। ये कैसे उठाया, ये बर्तन कैसे साफ किए, हाथ की सहायता से किए। हाथ ना होता तो हम नहीं कर सकते थे। आप लोग हमारे सहयोगी हैं, साथी हैं, मित्र हैं, सब ने मिलजुल करके एक बड़ा काम किया है। एकाकी ये काम कर सकना संभव नहीं था, हमारे लिए भी, किसी के लिए भी संभव नहीं हुआ, भगवानों के लिए संभव नहीं हुआ, गांधी जी के लिए संभव नहीं हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रहियों की एक सेना खड़ी की और सत्याग्रहियों की सेना के माध्यम से अंग्रेजों को भगाया, हिंदुस्तान को स्वराज्य दिलाया। भगवान बुद्ध के लिए भी संभव नहीं हुआ। उनके मन में वातावरण के परिष्कार की का था, लेकिन उन्होंने फिर 1,00,000 अपने प्रभाजक बनाए और उन प्रभाजकों के माध्यम से वो काम संभव हो सका। विनोबा ने अकेला काम किया, भूदान से लेकर के अनेक काम तक नहीं, अकेले ने नहीं किया। उनके बहुत सारे सर्वोदय कार्यकर्ता उनके साथ साथ काम करते थे, उन सब ने मिला करके पृष्ठभूमियाँ बनाई और विनोबा को आगे आगे रख करके बड़े काम करा लिए। आप हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढ पाया है। कैसे, आप ये समझते होंगे कि हमने पत्रिका का चंदा भेज दिया इसलिए हम इनके के मेंबर हो गए ना, ये बात नहीं। हमने ढूंढा है आपके आपके पास 20 बार संदेश भेजे हैं और वो संदेश आपको मिले कि नहीं मिले, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, चिट्ठी पोस्ट कार्ड नहीं। आप लोगों को हमने हिलाया है, झकझोरा है, तब इस मिशन की ओर लाने के लिए प्रयत्न किया है और तब वो सफलता मिली है। ये कैसे आपने संदेश भेजे? हमने पहले जन्मों के ऊपर आपके ऊपर दृष्टि डाली कि कौन संस्कारवान है, कौन संस्कारवान नहीं है। हमने गहरे पानी में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके मोतियों को ढूंढ के निकाला है। मोती सड़क पर पड़े थे, आपने मिल लिया नहीं, सड़क पर नहीं बने थे। आपने संगठन के लिए अखबार में लिख छापा, संगठन बन गया नहीं, ऐसा नहीं। इसके लिए हमको बहुत गहरी डुबकी लगानी पड़ी है और आप हीरे और मोतियों को बड़ी मुश्किल से जोड़ करके जमा करना पड़ा है। अब क्या करना चाहिए, अब आगे क्या करना चाहिए? आगे आपको हमारा सहयोगी बना रहना चाहिए। आपको कभी ये मन आया करे गुरुजी के साथ संपर्क मिला लें, जरा बातचीत तो कर लें, टेलीफोन तो मिला लें? तो बेतार का तार एक बना करके हमने रखा है कि सूर्योदय से 1 घंटा पहले से लेकर के सूर्योदय के समय तक अगर आप एकांत में ध्यान में स्थिर चित्त होकर के बैठेंगे और ये अनुभव करेंगे कि हमारे साथ आप जुड़ गए, मिल गए, हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमारे संदेश आपके भीतर तक जाना शुरू कर देंगे। कि आप लोगों से जितना भी कुछ बन सके, कदम उठाना संभव हो सके, उतना आप करें। अपने निजी महत्वाकांक्षा में काट छाट करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी विलासिताएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं बड़ी नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छाएं कम होनी चाहिए। युग संधि की वेला में जितना भी कुछ अपने आप को जो आपसे बनता हो कि हम समय के लिए, युग के लिए, महाकाल के लिए कुछ त्याग कर पाएंगे, तो आप उसको करने का संकल्प कर लीजिए, उसको निभाते रहिए, छोड़िए मत। बीच में छोड़ देते हैं तो बुरी बात है, ढीले हो जाते हैं तो बुरी बात है, ये शानदार बात नहीं है। शानदार आदमी एक जैसे रहते हैं, एक निष्ठ रहते हैं, एक मन रहते हैं, एक संकल्प लेके रहते हैं, एक चाल चलते हैं, चाहे धीमी चाल हो चाहे तेज चाल हो, बस चलते ही रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। आप लोगों से सबसे ये प्रार्थना है कि अपनी मुस्तैदी को बढ़ाइए और अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी चाल में तीखा बनाइए। और आप बार बार जो धीमा हो जाते हैं तो हमको निराशा होती है और हैरानी होती है, ये मत कीजिए। हमारी एक ही मनोकामना रह गई है, 24 लाख बना लिए, हाँ बना दिए, 24 लाख शक्तिपीठ बना दी, वही बना दी, बस एक और बाकी रह गया है कि 24 लाख हीरों का हार नहीं, 10,000 हीरों का हार पहन करके हम निकलें बाजार में, है ना, बाजार में निकलें। क्या आदमी
कंधा लगा रहे होंगे, क्या आदमी गुलाल फेंक रहे होंगे, क्या आदमी फूल फुला रहे होंगे, क्या आदमी लकड़ियाँ चुन रहे होंगे। इस तरीके से जब हमारा जुलूस निकले तब फिर उसमें हम क्या पहन के निकलें, 10,000 हीरों का हार पहन के निकलें। लोग कहें साहब ये तो कोई बड़ा मालदार आदमी था, सेठ था ये तो कोई। अरे साहब सेठ, इसके मुकाबले क्या सेठ हो सकता है, ये बड़ा शानदार आदमी था, इसलिए इसके लिए हमने 10,000 हीरों का हार पहनाया। तो क्या बात की समझ में नहीं आई मुझे, हाँ बेटा समझ में, ऐसे ही कुछ पहेली जैसे कहने लगा। कबीर के ज़माने में भी पहेलियाँ क्या कहने का मुझे अच्छा मालूम पड़ता था और अभी भी मुझे अच्छा मालूम पड़ता है। 10,000 हीरों से मतलब मेरा वो है कि 10,000 साथी ऐसे हो जाए जो नियमित रूप से समय दिया करें। अपना समय की मुझे ज़रूरत है, पैसा की जरूरत नहीं, पैसों को मैं क्या करूँगा, पैसा इकट्ठा करने पर इकट्ठा हो जाऊँ तो चोर और चालाक और ठग और बेईमान और बदमाश जब क्लियर मैं इकट्ठे कर लेते हैं और उनके घर में से देते हैं और उनमें कितना करोड़ों का धन निकलता है। मैं अगर खड़ा हो जाऊँ इसी बात पर कि मुझे धन इकट्ठा करना है तो बहुत इकट्ठा कर सकता हूँ, या कर लिया होता या कर सकता हूँ चलिए भी, लेकिन नहीं, वो मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा सिर्फ एक है कि मेरे हाथ पाँव मजबूत हो जाए, हाथ पाँव अच्छे अच्छे हो जाए तो तब काम चलेगा। आत्माओं से किसका मतलब है, आपसे है मेरा मतलब। आप